सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गेमिंग न्यूज़। तो यार बहुत दिनों के बाद एक गेमिंग न्यूज़ का एपिसोड आ रहा है, तो उसके लिए यार सॉरी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था एंड चल रहा था नहीं बिजी चल रहा हूँ, ठीक है, फिर भी तुम्हारे लिए गेमिंग न्यूज़ की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी गेमिंग न्यूज़ है मेरे पास इस वाली वीडियो के लिए भी। स्नीक पीक दूँ ना, तो एक नया भाई फुटबॉल का गेम आया है, और भाई एक बहुत ज़्यादा चहीते गेम जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, उसका भाई गेम प्ले का बीटा ट्रेलर आ चुका है, ठीक है। एंड मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा वो, तो तुम्हें भी वो भाई पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ। GTA 5 से रिलेटेड है न्यूज़, गॉड ऑफ वॉर से रिलेटेड न्यूज़ है भाई साहब हमारे पास। वेल्व एक नया PC के लिए हेडसेट बना रहा है, हेडसेट नहीं बेसिकली VR बना रहा है। PlayStation की अक्टूबर गेम्स, Battlefield 2042 एंड Intel की तरफ से भी, तो बहुत सारी गेमिंग न्यूज़ है। जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स गो भाई साहब। सबसे पहले बात कर ली जाए एक नए फुटबॉल गेम की, तो ऑफ कोर्स यार मैं मतलब ऐसे फीफा की बात नहीं करने वाला हूँ। एक ब्रांड न्यू गेम निकल के आया है, ठीक है, शायद कोनामी स्टूडियोज़ ने इसे बनाया है। जो कोनामी, जिसे नहीं पता, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टूडियो है, जो जिसने यार आज तक बहुत तगड़े तगड़े गेम्स डेवलप करे हैं। तो गेम का नाम यार ई फुटबॉल बताया जा रहा है, जो कि PS4 और PS5 के लिए आ सकता है, ठीक है। अभी एक्सबॉक्स वगैरह का यार हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, हाँ, लेकिन प्लेस्टेशन के ऊपर तो आ सकता है। एंड अभी बीच के अंदर यार इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी हो रही थी, जब तक इसका नाम सामने नहीं आया था इस वाले गेम का, ठीक है। एंड कहा जा रहा है कि जो PES एक मतलब काफ़ी फेमस फ्रेंचाइज है फुटबॉल गेमिंग के अंदर, फुटबॉल ई गेमिंग के अंदर, तो उसकी उसकी जगह लेगा ये गेम। तो आई डोंट नो यार ये गेम कैसा होने वाला है। मैंने इसका ट्रेलर वगैरह देखा, तो भाई ग्राफिक्स तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं, एंड आई होप कि गेम भी यार उतना ही तगड़ा हो। भाई जैसा कि सबको पता ही है, GTA यार कितनी ज़्यादा फेमस गेम है, एंड आजकल तो GTA ऑनलाइन में भाई सब तबाही मचा रखी है, तो रॉकस्टार वाले पीछे कैसे हट जाएंगे भाई साहब। तो रॉकस्टार ने भाई GTA ऑनलाइन के लिए कुछ वीकली अपडेट वगैरह लाने शुरू करे हैं, एंड ये जो वीकली अपडेट है इसके अंदर सबसे पहले वो ट्रिपल लैंड रेस करके कुछ लेकर आए हैं GTA ऑनलाइन के अंदर, बता रहा हूँ, ठीक है। और लमार मिशन के भी कुछ लमार कॉन्ट्रैक्ट मिशन के भी कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह लेकर आए हैं। तो अगर तुम लोग खेलते हो GTA ऑनलाइन, तो ये न्यूज़ भाई तुम लोगों के लिए काम की हो सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि आ रही है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक की तरफ से। तो यार अभी तक हमें यार नहीं बताया था सेंटा मोनिका स्टूडियो ने कि ये जो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक बहुत ज़्यादा कमाल की गेम आने वाली है। ये मतलब यार डिले क्यों हो गई थी, ठीक है, मतलब एकदम से बीच के अंदर उन लोगों ने एक पोस्ट डाला जिसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि भाई इस गेम को डिले करना पड़ा। तो यार ऐसे क्या रीजंस रहे सेंटा मोनिका स्टूडियो के इस गेम को जो है डिले करना पड़ा, तो अब वो भाई रीज़न जो है उन लोगों ने खुल के हमें सामने से बता दिया है, तो वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा। तो क्रेटोस जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इस गेम का, ठीक है, तो जो क्रेटोस है उसके जो वॉइस एक्टर है उसकी भाई एक सर्जरी होनी थी गले की, या पता नहीं कहाँ की सर्जरी होनी थी, शायद हिप सर्जरी थी, ठीक है, जिसकी वजह से इस गेम को जो है डिले कर दिया गया, क्योंकि भाई वॉइस एक्टर वही वाला लेना था, ठीक है। एंड सेंटा मोनिका ने भाई साफ साफ कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारी ऐसी और भी कुछ भी होता तो भी हम रुकते। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जेस्टर था भाई सेंटा मोनिका स्टूडियो की तरफ से, एंड एटलीस्ट उन लोगों ने भाई इतनी इंपॉर्टेंस दी हम लोगों को कि उन्होंने भाई ये चीज़ हमें बताई, तो मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एंड मैं चाहता था कि ये चीज़ तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलो एक और तगड़ी सी न्यूज़ सुना दी जाए भाई साहब। तो वैल्व जो है वो काम कर रहा है एक ऑक्यूलस क्वेस्ट रूट, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है ये, ठीक है, तो ये एक VR हेडसेट होने वाला है PC गेमर्स के लिए भाई साहब, ठीक है। एंड शायद इन लोगों ने पहले भी इंडेक्स के नाम से कोई सा बना रखा है, जो कि उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, ठीक है, ये मतलब जो मेरे को सुनने में आया उसके हिसाब से, मेरे को तो अभी तक पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ बनाया था वैल्व ने, ठीक है, लेकिन ये वाला जो होने वाला है ये वाला बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। एंड कोई यूट्यूबर है ब्रैड लिंच जिन्होंने भाई ये सब बताया है, तो पता नहीं यार तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, इनके चैनल का तो नाम यहाँ पर SH नहीं लिखा है, बस हाँ ब्रैड लिन है, तो उसे तुम लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इसे कह रहे हैं कि एक वायरलेस मॉडल होने वाला है, ठीक है, जो कि काम करेगा एक ऑक्यूलस क्वेस्ट या फिर एक ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 की तरह। तो चलो अब अक्टूबर की PS Plus लाइनअप गेम्स की बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले जो PS5 के लिए हमें गेम देखने को मिल रही है वो है हेल लेट लूज, एंड मतलब मेरे को ग्राफिक्स वगैरह तो ठीक लगे ट्रेलर में, ट्रेलर तुम लोगों के सामने चल रहा होगा तो देख लेना, ठीक है, तो मतलब मेरे को ग्राफिक्स वगैरह तो ठीक लगे, एंड पता नहीं यार ये गेम कैसा सा होगा, तो अगर तुम लोग खेलोगे तो भाई सब बता देना। बाकी PS4 के लिए हमें दो गेम्स देखने को मिल रही है, जिसका नाम है भाई मॉर्टल कॉम्बैट X या फिर मॉर्टल कॉम्बैट 10, तुम जो भी कहना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक 2K21 देखने को मिल रही है, जो कि मतलब ऐसे गोल्फ वाली 2K21 है ना, वो वाली, ठीक है। तो गेम्स का लाइनअप ठीक ठाक है,
कह सकते हैं कि हाँ यार हम लोग और ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट कोई नहीं, ये वाला लाइनअप मेरे को ठीक लगा, उतना बुरा लाइनअप नहीं है। बाकी तुम लोग खेल के बताना यार ये वाली गेम्स तुम्हें कैसे लगी। भाई अब बात कर लेते हैं बहुत तगड़ी न्यूज़ के बारे में, यानी कि बैटलफील्ड 2042 के बारे में। तो भाई इसका ओपन बेटा गेम प्ले वगैरह आ गया है, तो उसे अगर तुमने चेकआउट नहीं करा है ना तो भाई क्या कर रहे हो, उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना इस वाली वीडियो के बाद, ठीक है। एंड और भी बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी न्यूज़ है इस वाले गेम के बारे में, ठीक है। तो भाई इसका ओपन बेटा जो है वो ओपन हो रहा है 8 और 9 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। 8 शायद प्री ऑर्डर वालों को जल्दी मिल जाएगा एक दिन शायद से, यही हिसाब होगा, ठीक है। बाकी यार जैसा कि तुम्हें पता ही है इस गेम के अंदर भी हमें क्रॉस प्ले देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर क्रॉस प्ले का ना थोड़ा अलग हिसाब है, ठीक है। तो तुम्हें हिसाब समझा देता हूँ। तो भाई जो PS5 वाले होंगे वो एक्सबॉक्स सीरीज एस और एक्स और PC वालों के साथ आराम से इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक दूसरे के साथ मतलब खेल सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर PS4 और Xbox One वाले जो हैं, क्योंकि ये गेम भाई क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट के साथ आ रही है, ठीक है, तो ये जो दो वाले प्लेटफॉर्म हैं ये दोनों आपस में खेल पाएंगे, ये लोग PC वालों के साथ भी नहीं खेल सकते, ठीक है। ये भाई IGN के मुताबिक है, IGN ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिख के डाल रखा है, तो तुम्हें चेकआउट करना हो तो भाई IGN की वेबसाइट खोल लेना, तुम्हें मिल जाएगा। बाकी यार वही चीज़ बैटलफील्ड 2042 वालों ने ट्वीट करके बताई है कि मतलब उन लोगों ने अपना गेम मैप निकाल दिया। एंड भाई मज़े की बात देखो, आज ही का ये ट्वीट है, आज सुबह 4:30 बजे मतलब इन्होंने अपने टाइम के हिसाब से करा होगा, ठीक है, इंडिया के टाइम के हिसाब से नहीं, लेकिन भाई आज ही का ट्वीट है और आज ही तुम्हें वीडियो में भी देखने को मिल रहा है। तो भाई लाइक ठोक दो यार एटलीस्ट, सब्सक्राइब तो तुम लोग करते नहीं, लाइक तो ठोक दो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नई न्यूज़ की तरफ। तो भाई इंटेल जो है ना मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा चैलेंज दे बैठा है। अब क्या दे बैठा है सुन लो, ठीक है। तो जो भाई इंटेल के CEO हैं पैट गेलसिंगर, तो उन्होंने कह दिया है कि भाई AMD को जितना डोमिनेट करना था ना भाई PC मार्केट, भाई हो गया भाई साहब पूरा। अब ये लोग ऐसा CPU निकालने वाले ना एल्डर लेक करके, मतलब तुम्हें तो पता ही होगा एल्डर लेक करके इंटेल एक CPU के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो वो इतना तगड़ा CPU होने वाला है ना कि भाई जितनी भी कंपनियां हैं AMD ARM Apple बेटा सारी की सारी पीछे रह जाएंगी, ठीक है। अब ये मतलब ऐसा इंटेल क्लेम कर रहा है, ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर करके, एंड कह रहा है जितनी भी कंपनियां हैं जो मतलब हमसे पंगा ले रही है आज तो बेटा ख़त्म है सारी, इतना तगड़ा प्रोसेसर हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। और ये CEO जो है वो शायद से 11 साल के बाद वापस आ रहा है इंटेल के अंदर, कुछ हुआ होगा मेरे को इन सब का पंगों का पता नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही दावे कर बैठा है, पता नहीं इंटेल इतना भाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, तो लेट्स सी। तो भाई जैसा कि तुम्हें पता ही है NVIDIA की आदत, भाई वो लोग कोलैबोरेट करते रहते हैं, मतलब नए नए जो गेम्स लॉन्च होते हैं ना, जैसे कि अभी बैटलफील्ड के साथ करा था कि जो भी मतलब ऐसे NVIDIA का लैपटॉप लेगा उसे मतलब बैटलफील्ड 2042 फ्री में मिलेगी, तो ऐसी न्यूज़ आ रही थी, पता नहीं मिली नहीं मिली, या मिली गई होगी जब कह ही रहते तो, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही भाई उन लोगों ने कोलैब कराया है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ, ठीक है। एंड कहा जा रहा है कि जो NVIDIA के RTX गेमिंग PCs और जो लैपटॉप्स हैं वो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल ऑप्टिमाइजेशन रहेगी इस गेम के बारे में, इस गेम के लिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो गेम है मतलब इतने तगड़े तगड़े ग्राफिक्स हैं, लेटेस्ट जेन की गेम आने वाली है ये, तो ये शायद से यार हल्के वाले पे भी रन हो जाए, मतलब NVIDIA के हर एक पे रन हो जाए, AMD का पता नहीं, ठीक है, लेकिन NVIDIA के हल्के वाले ग्राफिक कार्ड के ऊपर भी ये जहाँ तक रन हो जाए, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, एंड नहीं होता तो भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। तो भाई अब एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ निकल के आई है भाई निंटेंडो स्विच के बारे में। तो यार निंटेंडो स्विच OLED मॉडल जो मतलब अभी एक नया मॉडल लॉन्च हुआ था निंटेंडो का, जिसकी मतलब एक पूरी वीडियो भी बनाई थी मैंने, जो तुमने नहीं देखी होगी तो जाके देख लेना, ठीक है। तो उसके बारे में भाई कहा जा रहा है कि वो जो है यार उसके अंदर 4K 60fps तक की भी कैपेबिलिटी है, जो कि अभी तक हमें निंटेंडो ने नहीं बताई है, और ये मतलब एकदम फ्यूचर रेडी और फ्यूचर प्रूफ है, एंड इसके अंदर तगड़े तगड़े गेम्स खेल दिए जाएंगे, बस निंटेंडो को एक अपडेट निकालने की जरूरत है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। एंड ऐसा भाई एक यूट्यूबर ने करा है, ठीक है, जिसके चैनल का नाम निंटेंडो प्राइम है, उन्होंने भाई इसको पूरा का पूरा टीयर डाउन वगैरह पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं वो सब कर भाई ये सब चेकिंग वेकिंग करी है, ठीक है। तो हो सकता है भाई सही हो, एंड कहा जा रहा है कि इसका मजा लेने के लिए कम से कम भाई तुम्हें HDMI 2.0 ऑन बोर्ड चाहिएगा,
ठीक है। तो मेरे को तो यार ये फेक न्यूज़ लग रही है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता यार अगर निंटेंडो को ऐसा करना होता ना तो भाई वो लोग पहले बता देते। एंड जब इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी इसकी तब तो यार बता ही देते, ठीक है। इतनी बेइज्जती के बाद भी नहीं बताया तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते। मेरे को तो नहीं लगता कि भाई ये सच होने वाला है, बाकी हो जाए तो अच्छा है निंटेंडो फैंस के लिए। तो भाई बातें तो बहुत ज़्यादा चल रही है कि भाई 8K गेमिंग अब हमसे दूर नहीं है। एंड हाँ, ऐसा भाई मेरे को भी फील होने लग गया है, क्योंकि अगर PS5 आ चुका है जिसके अंदर अप टू 8K कैपेसिटी है, तो ऑब्वियसली यार 8K गेमिंग हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो एनवीडिया की एक नई करतब देखो, अब एनवीडिया RTX 3090 सुपर भाई वो रिलीज हो सकता है, ठीक है। उसकी रिलीज डेट के बारे में भाई कुछ 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 बातें चल तो रही हैं, पता नहीं यार कब तक रिलीज होगा, ठीक है। एंड उसी के साथ में RTX 3070 Ti और RTX 2060 के GPUs आ सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड डेट मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको सीरियसली लेकर मत चलना कि भाई जनवरी 2022 तक ही ये लॉन्च हो जाएंगे, मतलब ट्रेलर वेलर मतलब ऐसे कुछ बताया नहीं जाएगा, डायरेक्ट लॉन्च, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ी मेरे को शॉकिंग सी चीज़ लग रही है, ठीक है। एंड मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी पावर होने वाली है इनके अंदर, ठीक है। एंड ये लोग 8K के अंदर गेमिंग करवा पाएंगे, ठीक है, खासकर RTX 3090 सुपर। तो मतलब भाई नाम ही इतना लंबा है तो खर्चा भी इसका लंबा चौड़ा ही होने वाला है, ठीक है। तो मतलब ये एक तरीके से लीक है, जो कि पीसी गेमर्स एन की एक वेबसाइट है, ये, ठीक है। तो इसके अंदर भाई ये मतलब ऐसा एक आर्टिकल छपा है, तो उसे भाई तुम लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। भाई मेरे को तो नहीं लगता इतनी जल्दी मतलब 8K गेमिंग का भाई कुछ लॉन्च हो जाएगा, तो ये तो भाई रेवोल्यूशन हो जाएगा गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। लेकिन ये सब खाली अमीर लोग ही इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि भाई सबसे पहला 8K का GPU, अब उसे चलाने के लिए भाई साहब PC भी तगड़ी पावर का चाहिए, और भाई अगर PC तगड़ी पावर का लोगे तो क्या मॉनिटर तगड़ी पावर का नहीं लोगे। मतलब 8K मॉनिटर लिटरली यार 12-13 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, सस्ती चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो मतलब यार बहुत ज़्यादा महंगा हिसाब किताब होने वाला है, तो मेरे को तो भाई समझ नहीं आ रहा है ऐसा असलियत में होगा भी या नहीं। चलो अब एक और शॉकिंग सी न्यूज़ दे देता हूँ। मतलब मैं तो यार लिटरली शॉक हो गया था जब मैंने सबसे पहली बार इस वाली न्यूज़ को पढ़ा था। तो भाई एप्पल जो है ना, एप्पल मतलब तुम पता ही है, एप्पल आईफोन जो बनाता है, एप्पल जो है भाई गेमिंग के थ्रू सोनी और माइक्रोसॉफ्ट से और निंटेंडो से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है, सिर्फ और सिर्फ ऐप स्टोर के ऊपर अपनी गेम सेल ऑफ करके। मतलब अब तुम सोच सकते हो कि मतलब एप्पल का भाई कितना मतलब क्या प्रॉफिट कमाते हैं लोग, ठीक है। जो मतलब एप्पल के एनालिसिस वगैरह हुए होंगे उसके अंदर आ रहा है कि भाई खाली गेम से 8.5 बिलियन, ठीक है, मिलियन नहीं है ये है भाई बिलियन, दोबारा से रिपीट करता हूँ, $8.5 बिलियन भाई एप्पल स्टोर ने एक फिस्कल ईयर, ठीक है, यानी कि 2019 के अंदर अकेले कमा लिए भाई। मतलब लिटरली तुम सोच रहे हो खाली, मतलब जबकि कुछ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा गेमिंग का लाइनअप भी नहीं है एप्पल के पास, फिर भी भाई। और अगर सोचो एप्पल ने ऐसी कोई क्लाउड गेमिंग सर्विस वगैरह स्टार्ट कर दी या फिर बहुत तगड़े तगड़े गेम निकाल दिए, फिर कहाँ जाएंगे ये लोग भाई। लिटरली मतलब सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं। तो भाई जेंशन इम्पैक्ट जो है अब उसका गेयर का मतलब अपना खुद का लाइनअप आ रहा है, ठीक है। मतलब उन लोगों ने कोलैबोरेट कर लिया है रेज़र के साथ, एंड इनकी गेमिंग चेयर, ठीक है, एंड मतलब ऐसे गेमिंग माउस एंड कुछ माउस पैड्स, तो ये सब मतलब थोड़ी बहुत एसेसरीज आ रही है तगड़ी तगड़ी। एंड मेरे को पर्सनली गेमिंग चेयर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है वाली, तो तुम भी अपनी स्क्रीन के ऊपर पिक्स देख लेना इसकी एंड बताना यार कमेंट सेक्शन में तुम्हें कैसी लगी। तो भाई सोनी ने एक्वायर कर लिया है ब्लू पॉइंट गेम्स, जो कि डेवलपर है भाई डीमन सोल्स, जिन्होंने मतलब प्लेस्टेशन 5 के लिए डीमन सोल्स को डेवलप करा है, उसे भी भाई साहब सोनी ने मतलब अपनी प्लेस्टेशन फैमिली में ले लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब ऐसे तगड़े तगड़े गेम निकालते जाओ। एंड अब बात कर लेते हैं यार फाइनल न्यूज़ के बारे में। भाई एपिक गेम्स जो है ना वो लॉन्च करने वाले हैं भाई अचीवमेंट्स, ठीक है, मतलब अपने नए XR प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि बहुत जल्दी मतलब लॉन्च हो जाएगी। तो अचीवमेंट जैसे कि क्या, जैसे कि प्लेस्टेशन के अंदर ट्रॉफीज तुम्हें मिलती हैं, ठीक है, स्टीम के अंदर कुछ कार्ड्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, इन गेम कुछ मिशंस कंप्लीट करने के ऊपर, तो वैसा ही कुछ मतलब एपिक गेम्स भी करने वाले। तो यार बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप कि आपको ये वाला गेमिंग न्यूज़ का एपिसोड अच्छा लगा। एंड आपको बेस्ट वाली न्यूज़ कौन सी लगी ये मेरे को बता देना भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं मिलता हूँ तुमसे फिर किसी और वीडियो के साथ अगले हफ्ते। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज एडियोस।